बहुत ही ज्यादा मशक्कत करने के बाद हमें पता लग गया कि हमारे गोप्रो में जो साउंड की अब दिक्कत आ रही थी कि माइक हेलमेट में जब माइक लगता था तो क्यों दिक्कत आती थी। सो उसका सॉल्यूशन हमने अच्छा सॉल्यूशन निकाल लिया है, सो उसके बारे में देखेंगे अभी। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो मुझे ना यहाँ पे ब्लॉग करना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से बैकग्राउंड जो वॉल आती है ना इतनी बड़ी, बहुत प्यारी लगती है। तो कमेंट करके बताओ अच्छी लगती है क्या नहीं लगती। सो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज का व्लॉग ना थोड़ा नॉर्मल बताऊंगा आपको, और थोड़ा सा मोटो व्लॉग होगा जिसमें कुछ आपको चीज़ें चेक करवाऊंगा, फिर थोड़ा अपना सिस्टम पे होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों ने बहुत से व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें आपको ब्लॉगर ने आपको माइक का कंपैरिजन दिखाया होगा, एक हाई एंड और एक लो एंड। जैसे कि मोनो का माइक बहुत अच्छा चलता है गोप्रो के अंदर, मतलब ठीक ठीक चलता है, और रोड का माइक जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो अगर पड़ जाता है उसका पूरा सेट जो पड़ता है वो 8,000 के करीब पड़ता है। लेकिन मेरे पास दो माइक हैं तो दोनों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो कौन से हैं फटाफट से आप एक मिनट के लिए वेट करो, मैं लेके आता हूँ क्योंकि वो पड़े हैं अलमीरा के अंदर। हमारे पास आया है ये सोनी का एक माइक LC LV1, ये है। इसमें क्वालिटी क्या है कि एक बार पहले ओपन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस तरह से माइक है, इसका यूजर मैनुअल को भी निकालते हैं हम। सो ये इसका यूजर मैनुअल है, बहुत कुछ है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। फटाफट से पहले इसको माइक को ओपन करते हैं। सो ये रहा माइक। माइक में फीचर क्या है कि ये आपको विंड मफ उतार के दिखाता हूँ, ये आपकी ना लेफ्ट और राइट दोनों साइड से रिकॉर्ड करता है। बट इसकी खैर हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एक ही साइड से रिकॉर्ड करना है। अब एक काम करते हैं फटाफट में, एक काम इसको मैं आपको पहले प्लेस करते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ हेलमेट में प्लेस करने के बाद। कंपेरिजन जब भी होता है हमेशा दो चीज़ों में होता है, तो हम एक हाई एक लोअर एंड और एक मिड रेंज में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि लोअर और हायर में कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो भाई 6-7 हज़ार की चीज़ है तो वो डेफिनेटली अच्छी होगी, उसमें नॉइस कैंसिलेशन सब कुछ है। बट अभी मैं चेक करने वाला हूँ एक मिड रेंज और एक हायर रेंज, मिड रेंज और लोअर रेंज के बीच में। तो क्योंकि मोनो का जो A400 माइक है वो है हमारा 400 रुपीज का, 400 रुपये का, और जो मैं सोनी का यूज़ कर रहा हूँ ये है 1800 रुपीज़ का। तो दोनों में कंपैरिजन अच्छा होगा और कितना डिफरेंस आता है वॉइस में वो हम चेक करने के बाद आपको बता पाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है बट अभी तो यहाँ पे AC चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम डे में ब्लॉग नहीं कर पाते, मैं इवनिंग में कर रहा हूँ, शाम के 5:30-6 बजे है। तो फटाफट से आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे अभी टेम्परेरीली के लिए मैंने यहाँ पे दोनों माइक लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वायर भी दोनों रख लिए। तो मैं क्या करूँगा कि दो तीन तरह से रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ पे मैंने वायर भी दोनों, ये देखो। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैं दोनों को टेस्ट करूँगा, कभी बीच में उसको टेस्ट करूँगा, बीच में उसको टेस्ट करूँगा, फिर आपको सिस्टम पे लगा के दोनों में नॉइस कैंसिलेशन फीचर ऐड करके दोनों का चेक करके दिखाऊंगा कि नॉइस कैंसिलेशन हटाने के बाद और उसके साथ। सो आज का व्लॉग हम लोग बाइक पे ना करके स्कूटी पे कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका कोई भी रीज़न नहीं है। सो बेसिकली मैं माइक टेस्टिंग करना चाहता था, जैसा कि पहले मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ, जो आप 400 रुपये का माइक लेते हो आप अभी देख रहे होगे यहाँ पे एक इमेज, उसमें जो अडेप्टर लगता है तो वो बिल्कुल काफ़ी बाहर को आ जाता है, जबकि अब दूसरा शॉट आप देख रहे होगे जो कि सोनी का माइक है वो हल्का सा टेढ़ा है, जो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे गोप्रो में आप देखते हो ना कि बिल्कुल साथ में माइक लगा होता है तो उस तरह से लगा होता है, ये दोनों आप डिफरेंस देख रहे हो। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस और साउंड कंपैरिजन और दूसरा कंपैरिजन दोनों दिखाने वाला हूँ, तो जिस वजह से आपको समझ आ जाएगा। अभी ना थोड़ा सा मेरे फेस के पास पड़ा है लगता है माइक, तो एक काम करता हूँ मैं एक बार रुक के ना इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, इसको थोड़ा सा फेस माउथ से अपने थोड़ा सा दूर करता हूँ। राइट गाइस, तो दोनों लग गए हैं अच्छे से, अभी आप देख रहे हो मोनो के, अभी आप नॉर्मल साउंड चेक कर रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना इसी में साउंड इफ़ेक्ट मींस डी नॉइस करके एक साउंड इफ़ेक्ट होता है एडोबे प्रीमियर प्रो में, जो कि वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो एक बार आप चेक करो जो मोनो के माइक में साउंड आती है विद
विदाउट डी नॉइस और विद डी नॉइस साउंड इफेक्ट, तो उससे आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि अगर आप 400 रुपये वाला माइक लेते हो तो क्या साउंड क्वालिटी आएगी, और अगर आप, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 1800 रुपीज़ वाले माइक का कि उसमें क्या साउंड क्वालिटी आती है। तो फटाफट से एक बार चेक करो साउंड क्वालिटी, साउंड चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। सो साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही होगी डेफिनेटली। अब एक बार मैं साउंड इफेक्ट के साथ सुनाता हूँ, यही लाइन में दोबारा रिपीट करूँगा। साउंड चेक 1 2 3 1 2 3, साउंड चेक 1 2 1 2। ठीक है, तो ये अब आपने देख लिया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट का लेता हूँ स्टॉप। स्टॉप लेने के बाद आपको मैं सुनाता हूँ हमारे सेकंड माइक, जो कि है सोनी का माइक। एक चीज़ मुझे ना सोनी के माइक में अच्छी नहीं लगी है, जो उसकी वो है अपना फोम है, वो बिल्कुल अलग तरह की है। तो अगर आपका अगर फोम गिर गया कहीं या मिसप्लेस हो गया तो आप सिर्फ फोम परचेज नहीं कर सकते, ये चीज़ मुझे नहीं सही लगी। तो सोनी को डेफिनेटली इस चीज़ पे कुछ करना चाहिए, उसके लिए क्या है कि यही चीज़ है कि वो फॉर्म हम परचेज़ कर सके, तो ये चीज़ का सोनी को थोड़ा सा एक ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक आ गया तो एक बार ट्रैफिक निकले तो हम करते हैं। फाइनली हमने सोनी का माइक लगा लिया है और इसकी टेस्टिंग करते हैं अच्छे से। सोनी ये है 1800 का, तो डेफिनेटली इसकी साउंड अच्छी होगी उसके कंपेरेटिवली। तो माइक चेक 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3। सो बताओ, आप बताओ कैसे है, वॉइस कैसी है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब एक बार सॉफ्टवेयर के थ्रू डी नॉइस लगा के चेक 1 2 3 1 2 3, माइक चेक 1 2 1 2। सो आवाज़ डेफिनेटली अच्छे से रिकॉर्ड कर रही होगी क्योंकि इसमें वॉइस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है। और इसमें अगर आप देखोगे, जैसा मैंने बताया था ना, इसमें जो माइक का कनेक्टर है, जो TRS कनेक्टर है, और वो L शेप में है, जिस वजह से ना वो जैसे GoPro में बार को आ जाता है ऐसे इसमें बार को नहीं आता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है। मैंने ये जो परचेज़ किए, ये मैंने इसीलिए परचेज़ किया कि इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि इसमें कैसा चलता है, सही चल रहा होगा। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें इसको टेस्ट किया था, बट मैं कंपैरिजन करना चाहता था दोनों को चेक करके, साथ में यूज़ करके कि कैसा चलता है। चलो अब मैं घर जाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे मैंने इसको। एक काम करता हूँ, कई बार ना ऐसा होता है कि हमें अपना जो फेस मास्क है, नहीं मींस विंडशील्ड है जो हमारा हेलमेट की वाइजर, हाँ। सो चलो एक काम करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें ना जो हमारा वाइजर होता है उसको ऊपर करके हमें यूज़ करना पड़ता है, तो एक बार उसमें भी हम वॉइस चेक करते हैं कि अगर हमने वॉइज़र ओपन किया हुआ है। सोनी वाले में चेक कर रहा हूँ मैं, अगर हमने वॉइज़र ऊपर किया हुआ है तो उस साउंड रिकॉर्डिंग कैसी आएगी। और ये अभी आप जो चेक कर रहे हो ये आ रही है विद क्या था, विदाउट साउंड नॉइस। माइक चेक 1 2 3 1 2 3 4 5, माइक चेक। और अब आप जो देख रहे हो ये आ रही है आपकी सेकेंड माइक, सेकेंड जो कि विद नॉइस फीचर के साथ। सो माइक चेक 1 2 3 1 2 1 2। सो दोनों आपने चेक कर लिया है, और जो कि सोनी का माइक है उसमें एक फीचर ज़्यादा मुझे बहुत सही लगी है, वो चीज़ उसमें क्या है कि जो साथ में माइक के बिल्कुल साथ में जो वायर आती है, इसका माइक इसका जो कनेक्टर है वो है L शेप में, और ये ऑलरेडी ही TRS है, तो इसको हमें कन्वर्टर नहीं लगाना पड़ता। जो TRS कन्वर्टर है वो हमें नहीं यूज़ करना पड़ता, सिंगल कन्वर्टर, सिंगल डायरेक्ट ही माइक इसमें चलता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब एक काम करते हैं, मुझे लगी है थोड़ी भूख, प्रिया साथ में आ चुकी है, तो अब चलते हैं घर, कुछ खाता हूँ मैं और फिर बैठते हैं एडिटिंग पे। एडिटिंग के साथ आपको ये फीचर सारे लगाएंगे और कैसे फीचर लगाना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है। तो चलो अब घर चलते हैं फटाफट से।
फाइनली हमारी एडिटिंग पूरी हो चुकी है और आप लोग बताओ, आपको जो मैंने स्टेप्स बताए बिल्कुल क्लियर हो गए? तो मैंने लिख के जान के बता दिया था ताकि आप आराम से उसको चेक कर सको। सो आपको वीडियो कैसी लगी है ये बताना वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सॉल्यूशन बेस्ट है, आपका 6000 रुपये का उसका रोड का माइक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका। अगर आपने चेक किया हो तो जो 400 वाला भी मैंने यूज़ किया था मोनो का A400, वो भी बहुत अच्छा चला था। तो मुझे दोनों सही लगे हैं, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा सोनी को, क्योंकि उसमें थोड़ी सी साउंड ना थोड़ी क्लियर थी। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद। बाय। पीछे से कॉल आ रही है तो मुझे वो पिक करनी है। चलो बाय।